देशां विदेशां दे विच वस रहे प्यारे खालसा जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज मैं उन्हां लोकां दी गल करन लगा वा जो सिख पंथ विच अपने आप नूं खुद सब तो वध सियाने लोक समझदे ने। मेरे कहण तो भाव मिशनरी कालजां दे वीर जो अपनी हर तकरीर च चोरियां कशहरियां ते गोल दस्तारां वालियां विरुद्ध बहुत बोलदे ने। मिशनरी कालज दे वीरां नूं खालसा ही बाणे तो इन्नी एलर्जी आ कि कोई गल होवे जां ना होवे एवें दो चार गल्लां चोले कशहरे खिलाफ जरूर बोलदे ने। इन्हां वीरां दे मार के सौ जुत्तियां, फिर पुछिए कि वड्डे सियाणे हो जे किसे बंदे ने इस खालसा ही बाणे नूं पा के नीच हरकत कर दित्ती आ तां कि इह बाणे गलत हो गया। मन लो जे किसे गुरुद्वारे दे अंदर कोई बंदा माड़ा काम कर देवे तो उह बंदे नूं बाहर कढ्ढीदा है, ना कि गुरु घर दे खिलाफ ही बोलण लग पईदा है। जे मसे रंगड़ ने दरबार साहब के अंदर नीच हरकत की सी तां पूरा पंथ मसे रंगड़ का वैरी बन गया सी, ते भाई सुखा सिंह ते महताब सिंह ने मसे रंगड़ नूं सज़ा दित्ती सी ना कि दरबार साहब नूं। जे पूले बदमाश ने इस खालसा ही बाणे नूं पा के खाड़कू सिंघां नूं बदनाम करना चाहिया तां सिख कौम के सूरमियां ने पूले नूं जिउंदा साड़ के सज़ा दित्ती सी। खालसा जी जे अज अखौती साधा ने ते होर माड़े बंदिया ने इस खालसा ही बाणे नूं पा के नीच हरकत कर दिती आ तां कि इह बाणे गलत हो गया। जी उह बाणे नूं दाग लाउंदे पए आ पर उह तां हुकूमत दी नीति तहत इस सिख बाणे नूं बदनाम करन लई अपनी ड्यूटी कर रहे ने। पर मिशनरी कालज दे वीरो तुसीं कहिंदे हो कि असीं सब तों वध सियाणे आ, कि तुसीं वी उस हुकूमत दे साथी बन के इस बाणे नूं भंडण विच जिम्मेवार नहीं बणे फिरदे। सानूं दसो कि इह बाणा पैनना पाप है गुनाह है? जद गुरु नानक साहिब जी समेत बाकी गुरु साहिबाना ने ते होर सिखा ने, बाबा बुढ़ा साहिब जी ने, बाबा दीप सिंह जी ने, अकाली फूला सिंह जी ने, बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने, संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालिया ने, बाबा गुरबचन सिंह जी मानोचाल ने बाणा पाया, तो यह बाणा गलत किवें हो सकता है? मक्के यात्रा वेले दी निशानी काजी रुकनदीन दा गुरु नानक साहिब नूं कुरान शरीफ दीआं आयतां वाला दित्ता चोला अज भी साढ़े पंथ नूं दसदा है कि साढ़े गुरु साहिबान भी चोले पाउंदे रहे सी। साढ़े इतिहास विच 52 कलियां वाला चोला पा के कैदी हिंदू राजियां नूं छेवें पातशाह वल्लों छुड़वाउण वाली साखी है। अनेकां थावां ते गुरु की निशानी वजों चोले दस्तारां सांभियां पईआं ने, पर इह सब तों सियाणे मिशनरी वीर कहिंदे ने कि चोला माड़ा ते चोले वाले माड़े, गोल पग माड़ी ते गोल पग्गां वाले माड़े। जदों खालसे की साजना होई तो पंजा प्यारिया ने भी चोले कशहरे ते गोल दस्तारा दुमाले सजाए सी, ते उही बाणा गुरु कलगीधर पातशाह दा सी। अज भी नगर कीर्तना दे विच अमृत संचार वेले पंज प्यारे ऐसे बाणे च हुंदे ने, गतके वाले सिंह, निहंग सिंह फौजां, टकसाली सिंह, बल्कि पूरा खालसा पंथ ही यह बाणा पाउंदा है। पर यह मिशनरी वीर कहिंदे ने कि यह बाणा गलत है। साडी सोच अनुसार सिख कौम नूं खत्म करन लई सिखां दी बोली, खाण पीन, पहरावे ते होर गल्लां खिलाफ ब्राह्मणवाद वल्लों माहौल सिरजिया जा रहा है। खालसा जी चोला कशहरा ते गोल दस्तार दुमाला खालसे दा इतिहासक ते सभ्याचार दा शानदार अंग बन के सानू विरसे विच मिली दौलत है। इस करके इस बाणे दी राखी करनी साडी समूह गुरसिखां दी जिम्मेवारी है। ओ मिशनरी कालज दे वीरो संभल जो किते इतिहास के गदारां विच तुहाडा नाम ही ना जुड़ जावे, जे कल नूं तुहाडा मिशनरियां वाला पहरावा पा के कोई गलत कदम उठा लवेगा तां कि पूरा पंथ तुहाडे खिलाफ मोलता खोल के बह जावे। तुसी नकली मिशनरी हो, इस करके तुसी असली मिशनरियां का भी नाम बदनाम करते पे हो। जे तुहानूं खालसे दे बाणे खिलाफ ते दसम ग्रंथ की बाणी के खिलाफ बोलन का इन्ना ही शौक है ना, तो फिर किसी निहंग सिंह के सामने बोल के दिखायो, फिर तुहानूं पता लगे कि किस भावेक दी है। सतगुरां दा फुरमान है बाणी बाणा पंख पछाणो, सिंह गुरु का पंखी जाणो। सतगुरु जी कृपा करन समूह खालसे नूं बाणी बाणे दे विच परपक करन ते इन्हां लोकां नूं समत बख्शन। इन्नी को बेनती आप संगतां ने दासां वल्लों प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।